वन रॉन्ग क्लिक एंड तुम्हारा चैनल हैक। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स हैं या 1K और या फिर 1 मिलियन, क्योंकि मेरा ये चैनल हैक हो गया था बे, जबकि इस पे 1K सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे उस टाइम पे। एक बंदा कमेंट्स कर रहा कि भाई तेरा चैनल हैक हो गया, एंड फिर टाइमली मैंने उसी टाइम पासवर्ड वगैरह चेंज करके दोबारा से अपने चैनल का एक्सेस गेन कर लिया। पर हाँ, ऐसा हर बार नहीं होता है कि तुम सिर्फ पासवर्ड चेंज करके दोबारा से यूट्यूब अकाउंट का एक्सेस ले सकते हो। अगर हैकर ने खुद से पासवर्ड चेंज करके अपडेट कर दिया तो फिर यू कांट डू एनीथिंग बाय योरसेल्फ। सो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हो, एंड अगर अनफॉर्चुनेटली हैक हो भी जाता है तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, सो ट्राई करना एक भी पॉइंट मिस ना होने पाए। ओके, सो मेनली हैकर्स इन दो तरीकों का यूज करते हैं यूट्यूब चैनल्स हैक करने के लिए। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन वे इज फिशिंग। इसमें हैकर्स तुम्हारे बिजनेस ईमेल आईडी पे एक मेल भेजते हैं। लाइक काफी यूट्यूबर्स के बिजनेस ईमेल आईडी होती है जिसपे वो स्पॉन्सरशिप वगैरह डील करते हैं, सो उस पे हैकर्स एक फिशिंग मेल भेजते हैं जिसमें साथ ही एक लिंक भी अटैच रहता है। एंड मेल कोई भी ऐसे फेक ब्रांड प्रमोशन को लेके हो सकता है, एंड जिसमें वो ढेर सारे पैसे ऑफर किए होते हैं ऑब्वियसली लालच देने के लिए, ताकि तुम बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उस लिंक पर सीधा क्लिक कर दो। एंड फिर जैसे ही तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस उसके पास पहुंच जाएगा, या फिर लिंक पे क्लिक करते ही तुम्हारे ईमेल आईडी के इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चले जाएंगे, जिससे फिर हैकर्स को आराम से चैनल का एक्सेस मिल जाता है। आगे बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है एंड भेजे हुए लिंक को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये लिंक सेफ है या फिर कोई फिशिंग लिंक है। दूसरा तरीका है जिससे चैनल हैक होते हैं, वो है वायरस। अवॉइड इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी ऐप और सॉफ्टवेयर। मेरा चैनल इसी रीजन से हैक हुआ था, न सिर्फ यूट्यूब चैनल, इवन मेरा इंस्टा अकाउंट का भी एक्सेस हैकर के पास था। कई लोग थर्ड पार्टी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिसमें वायरस भी हो सकता है। थर्ड पार्टी ऐप्स वही होते हैं जो गूगल ऐप या प्ले स्टोर द्वारा ऑथराइज्ड नहीं होते हैं। ये ज्यादातर लोग गूगल पर किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, एंड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर विंडोज डिफेंडर या एंटीवायरस सिस्टम अलाउ नहीं करता है इंस्टॉल होने के लिए। बट मैंने अपने तेज दिमाग का प्रयोग करते हुए विंडोज डिफेंडर, जो वायरस से लैपटॉप को प्रोटेक्ट करता है, उसी को ऑफ कर दिया क्योंकि विंडोज डिफेंडर अलाउ नहीं कर रहा था सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को। वाह, क्या बात। एंड ये उस टाइम की बात है जिस टाइम मैं ज्यादा अवेयर नहीं था इन सब को लेकर, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसी कोई गलती करो जिससे फिर तुम अपने चैनल से हाथ धो बैठो। तो बस वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही जो भी अकाउंट या ईमेल आईडी वगैरह मेरे लैपटॉप में लॉग इन थे, सारे का एक्सेस हैकर के पास चला गया। एंड फिर उसने हैक करके उल्टे सीधे वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। देन पासवर्ड वगैरह चेंज करने के बाद सब डिलीट किया मैंने, एंड चैनल वापस से मेरे कंट्रोल में आ गया। नाउ अब बात करते हैं चैनल हैक होने के बाद चैनल पे इफेक्ट क्या पड़ता है। कुछ टाइम के लिए तुम्हारे चैनल पे इंप्रेशंस एंड व्यूज वगैरह एकदम से डाउन हो जाएंगे, मतलब वीडियोस की रीच जीरो हो जाएगी। इवन तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर्स को न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस ही नहीं जाएंगे। एंड ये चीजें तभी होगी जब हैकर तुम्हारे चैनल का नेम वगैरह चेंज कर दिया रहेगा। चैनल रिकवर होने के बाद उसको डेड ही समझो। द ओनली वे जिससे तुम अपने चैनल को दोबारा से नॉर्मल कर सकते हो वो है अपलोड वीडियोस कंसिस्टेंटली, बाकी देयर इज नो अदर वे। क्योंकि मैंने कई बड़े यूट्यूबर्स को देखा है लाइक धीरू मोन्ची, थगेश एंड कई अदर क्रिएटर्स, जिनका चैनल पास्ट में हैक हो चुका है। नाउ अब बात करते हैं कि चैनल हैक होने से बचाया कैसे जाए। पहले बात करते हैं फिशिंग की। तो इसमें तुम एक काम कर सकते हो कि अपने बिजनेस ईमेल आईडी को किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके रखो, मतलब जिस मोबाइल या पीसी में तुम्हारा यूट्यूब चैनल लॉगिन है उस डिवाइस में बिजनेस मेल आईडी मत यूज करो। एंड दूसरा तरीका ये है कि जो भी लिंक तुम्हारे पास आए उसको एक बार चेक कर लो कि ये कोई फिशिंग लिंक तो नहीं है। चेक करने के लिए सिंपली भेजे हुए लिंक को कॉपी करो एंड गूगल पे लिंक चेकर सर्च करके कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट पे अपना लिंक पेस्ट करके उसको चेक कर सकते हो कि ये लिंक सेफ है या नहीं। नाउ अब बात करते हैं वायरस की। तो भूल के भी अपना विंडोज डिफेंडर या फिर एंटीवायरस सिस्टम मत ऑफ करो। अगर विंडोज डिफेंडर बोल रहा है कि भैया ये फाइल सेफ नहीं है तो मान लो उसकी बात। एंड मोबाइल में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप मत इंस्टॉल करो। ट्रस्टेड ऐप हो तो फिर भी चलेगा, बट कई सारे एप्लीकेशन साथ में वायरस लेके इंस्टॉल होते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अपने YouTube चैनल का पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखो, ऐसे ही 1234 मत डाल दो। प्रॉपर नंबर्स एंड अपर एंड लोअर केस का यूज करके पासवर्ड क्रिएट करो। सो इन सारी चीजों का ध्यान रख के तुम अपने चैनल को सेफ रख सकते हो। नाउ अब बात करते हैं कि अगर चैनल हैक हो भी जाता है तो हमारे पास इसको रिकवर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, अगर तुम्हारे पास चैनल का एक्सेस है जैसे मेरे पास था, तो सिंपली पासवर्ड चेंज करके तुम दोबारा से चैनल अपने कंट्रोल में ले सकते हो। सेकंड, अगर तुम्हारे पास चैनल का एक्सेस नहीं है तो
सिंपली ट्विटर पे इस टीम यूट्यूब वाले अकाउंट को मेंशन करके अपनी प्रॉब्लम लिख के पोस्ट कर दो, तो कुछ ही मिनट्स या घंटों में ये तुम्हारे पोस्ट या फिर डीएम में रिप्लाई करेंगे। एंड फिर जैसा जैसा ये बोलते हैं वैसा ही करते जाओ एंड आपका चैनल इजिली रिकवर हो जाएगा। सो या यही सारी चीजें थी जिससे तुम अपने चैनल को सेफ रख सकते हो। एंड ये मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दिया। सो बी अवेयर ऑफ हैकर्स। बाकी इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।